बस स्टैंड की समस्या से जूझ रही मंडी की जनता को अब नए बस स्टैंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मंडी में आने वाले 2 सालों के भीतर एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। यह बात परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कही। वे मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है कि वे मंडी बस स्टैंड का निर्माण 2 वर्षों में पूरा कराएंगे। महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और मंडी में एक आधुनिक बस स्टैंड बनाने के लिए नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नई DPR बनाकर इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मैंने धूमल साहब को एक बार से आश्वस्त किया था कि मंडी में एक आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। उनके आदेशों के उपरांत जैसे ही मैंने परिवहन निगम का दायित्व संभाला और उच्च अधिकारियों को बुलाया, मंडी बस स्टैंड के प्रति जो उनकी DPR बनी है और उस DPR के अलावा जो उसके लिए फंड्स आए थे उस पर चर्चा करने के उपरांत मैंने ऐसा महसूस किया कि ये DPR मुझे जो धूमल साहब की मनसा है उन मनसाओं से काफी कम है। मैंने उच्च अधिकारियों को आदेश किए हैं, इस पुरानी DPR को किनारे करो, नई DPR एक आधुनिक बस स्टैंड की बनाओ। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी का बस स्टैंड एक आधुनिक बस स्टैंड होगा और बस स्टैंड में पहुंचने वाले यात्रियों को हर सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां निर्मित होने वाले बहुमंजिला बस स्टैंड में लोगों को रहने और खाने की सुविधा के साथ ही रात्रि ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। महेंद्र सिंह ने बताया कि आधुनिक बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे, तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर की जाए जैसे कि रेलवे स्टेशनों में की जाती है, उस फ्लोर को उस रूप में इस्तेमाल किया जाए। उसका ऊपर का जो फ्लोर है उसको टैक्सी स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उसके ऊपर का जो फ्लोर है उसमें एक बड़ा बैंक्वेट हॉल बने, ब्याह शादियां अन्य बड़े बड़े फंक्शन अगर होने हों तो उसके इस्तेमाल के लिए उसको किया जाए, और ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पहला हमारा बस स्टैंड होगा उस पे, फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा बस स्टैंड होगा उस पे, और तीसरा जो जहाँ हमारा रोड हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर्स और पैसेंजर्स के लिए होगा वहाँ पर हमारे 3 बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्सेज जो है उस पे जोड़े जाएंगे। महेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 1995 के बाद परिवहन निगम में तकनीकी कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज लगभग 900 तकनीकी कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह पद भी शीघ्र ही भर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। पब्लिक इंटरप्राइज में विनिवेश प्रक्रिया को अंजाम दिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन के आह्वान पर मंडी के बीमा कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के बाद जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। यह धरना उत्तर क्षेत्र बीमा कर्मचारी संगठन के मंडलीय सहसचिव मनोहर चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन के आह्वान पर मंडी स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय के बाहर समस्त बीमा कर्मचारियों ने भोजनावकाश के दौरान हड़ताल की और भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर उत्तर क्षेत्र बीमा कर्मचारी संगठन के मंडलीय सह सचिव मनोहर चंदेल ने बताया कि आज भारत सरकार ने पब्लिक एंटरप्राइजेज की विनिवेश प्रक्रिया को शुरू कर रखा है, जिसके खिलाफ बीमा कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। मनोहर चंदेल ने कहा कि आज सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारत सरकार को लाभ प्रदान कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार विनिवेश पर आमादा है। मनोहर चंदेल ने बताया कि भारत सरकार ने इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए विनिवेश के तहत प्राप्त करने की साजिश रची है। आज का जो विरोध प्रदर्शन का हमारा कार्यक्रम है, ये पूरे भारतवर्ष में जो सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर रखी है उसके खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। आज हम भारत सरकार ने जो
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की एक सूची तैयार करी है, जिसमें कि उन्होंने इस वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपया डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए प्राप्त करने की जो साजिश रची जा रही है उसका आज हम विरोध कर रहे हैं। आज हमारे पब्लिक सेक्टर का सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें वह जो हमारा सोशल वेलफेयर स्कीम में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रही है, हम आज सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ आज इतना प्रॉफिट सरकार को दे रही हैं, सरकार उनका विनिवेश क्यों करना चाहते हैं। इस मौके पर मनोहर चंदेल ने कहा कि किसी भी प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर के लिए बार बार ऋण लेकर देश को आत्मनिर्भर की ओर नहीं ले जाया जा सकता। इन्होंने कहा कि लाभ देने वाले क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ करना राष्ट्रहित में नहीं है, इसीलिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है उनको बेचकर तथा बार बार ऋण लेकर किसी भी देश को आत्मनिर्भरता की ओर नहीं ले जा सकता। इससे हमारा देश धीरे धीरे अपनी आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। तो हम भारत सरकार से आगाह करते हैं कि आज जो विदेशी बैंकों में हमारे देश का 70,00,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है उसको हमारे देश में वापस लाया जाए और हमारे देश में एक ब्लैक इकोनॉमी पैरेलल काम कर रही है उसको मेन अर्थव्यवस्था की धारा में लाया जाए और जो 1,00,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में बकाया पड़ा उसकी वसूली करी की जाए और 1,00,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो एनपीए के रूप में बैंकों का पैसा हमारे देश में फंसा हो उसको मेन मुख्य धारा में लाया जाए। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि आज ऐसे क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ करना देश ना तो देश हित में ना ही राष्ट्र हित में। इन्होंने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि यदि भारत सरकार अपनी मनमानी करती रही तो शीघ्र ही बीमा कर्मचारी संगठन अपने आंदोलन को तेज कर देगा और पूर्ण रूप से काम बंद कर हड़ताल पर चला जाएगा और इसका खामियाजा आम जनता सहित भारत सरकार को भी भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी प्रदेश सरकार से पंजाब की तर्ज पर रिवाइज्ड पे स्केल की उम्मीद लगाए बैठा है। धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुरेदिया ने इसे शीघ्र प्रभाव से लागू किए जाने की मांग की है। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अपने पे स्केल को लेकर हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। एक ओर जहां पंजाब सरकार ने रिवाइज्ड पे स्केल की घोषणा कर दी है, वहीं अब हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी भी प्रदेश सरकार से इसकी उम्मीद लगाए बैठा है। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि आज विशेष पे स्केल हिमाचल के उच्च अधिकारियों को दिया जा रहा है, लेकिन निम्न स्तर पर कर्मचारी अभी तक इसके इंतजार में है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार शीघ्र ही निम्न स्तर पर भी इसे लागू करे। जो कर्मचारी पिछले कुछ समय से एक अपने अंदर एक हीन भावना जैसी फील कर रहे हैं पे स्केल को लेके, जो रिवाइज्ड पे स्केल पंजाब ने भी जिसकी घोषणा कर दी है और हिमाचल का कर्मचारी भी टकटकी लगाकर सरकार की तरफ देख रहा है, तो सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर शीघ्र ही हिमाचल के कर्मचारियों को भी रिवाइज्ड पे स्केल देने का तोहफा है उसकी घोषणा सरकार करे। और इसके साथ साथ जो वर्षों से लंबित मांग चली आ रही है सभी कर्मचारियों को 4914 जिसको विशेष वेतन वृद्धि के नाम से जाना जाता है सभी कर्मचारियों को पंजाब सरकार दे रही है। हिमाचल का कर्मचारी 2006 से आज तक जूझ रहा है और उसमें भी जो आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारी हैं वो उस बेनिफिट को ले रहे हैं, सिर्फ क्लास 3-4 कर्मचारी उसके लिए भी सरकार की तरफ देख रहा है कि कब इसकी घोषणा करे। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि फरवरी महीने में आयोजित की गई जेसीसी की बैठक में विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए थे कि वे शीघ्र ही बैठकें कर कर्मचारियों की समस्या को सुलझाएं। गुलेरिया ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार विभागाध्यक्षों को पुनः ऐसी बैठकें आयोजित करने के आदेश जारी करे। इसके साथ साथ 21 फरवरी को जो सरकार के साथ जेसीसी की मीटिंग उसमें सरकार की तरफ से सीधे सीधे डायरेक्शन गई थी सभी विभागाध्यक्षों को कि सभी जो डिपार्टमेंटल एसोसिएशन हैं इनके साथ तुरंत मीटिंगें बुलाकर उनके जो डिमांड्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको स्पॉट पे सुलझाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बड़े खेद के साथ आज मैं इस मंच से ये बोल रहा हूं कि कुछ अधिकारी कुछ विभागाध्यक्ष अभी तक भी अपने डिपार्टमेंटल एसोसिएशन के साथ सरकार के निर्देशों की अनुपालना ना करते हुए मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाए हैं
इसलिए हम गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं कि ऐसे विभागाध्यक्षों की लगाम कसे और उनको टाइम बाउंड करके सभी जो डिपार्टमेंटल एसोसिएशन हैं उनके साथ उनकी मीटिंग कंडक्ट करवाएं। संघ सदस्यों ने उम्मीद जाहिर की है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी मांगों को शीघ्र पूरा कर कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।